हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बना रहे हैं हैश ब्राउन। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिया हमने आलू जिसको हम छील लेते हैं। ये हमने बॉईल करके रखे थे। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, आलू को छील रहे हैं। इसके बाद हम लेते हैं बाउल, इसमें ले लेते हैं हम आलू। इसको हम घिस लेते हैं। आलू को हम घिस लेते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पे हमने घिस लिए हैं, इसमें लेते हैं हम नमक जो कि हम लेंगे स्वाद अनुसार। मिले लेते हैं हम रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। यहाँ पे ले लेते हैं हम थोड़ी सी इसमें काली मिर्ची पाउडर। जो कि हमारे टेस्ट को बढ़ाती है। यहाँ पे लेते हैं हम हल्की सी हल्दी, टर्मरिक पाउडर। यहाँ पे लेते हैं हम कॉर्नफ्लावर जो कि ये हमारे हैश ब्राउन को क्रिस्पी करेगा। यहाँ पे लेते हैं हम हल्का सा मैदा। यहाँ पे लिया मैदा, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम इसमें लेते हैं, अब शेप बनाते हैं। जैसा कि आप कोई भी शेप दे सकते हैं इसमें, ट्रायंगल या स्क्वायर या गोल या राउंड, कोई भी शेप दे सकते हैं आप इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे शेप दे दिए हैश ब्राउन को। यहाँ पे हमने ले लिया कढ़ाई में तेल। तेल हो चुका है हमारा गरम। यहाँ पे हमने चेक करने के लिए डाले हैश ब्राउन। ऑयल भी हमारा अच्छा से गरम हो चुका है। अब हम हैश ब्राउन को पलट देते हैं दूसरी साइड। इसको धीमी धीमी आंच में रखें ताकि ये अच्छे से अंदर तक एकदम अच्छे से पक जाए। इसको हम ब्राउन होने तक तलते रहेंगे, फ्राई करते रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे हैश ब्राउन बनके हो गए एकदम तैयार। ये देखिए हो चुके हमारे हैश ब्राउन। इसके साथ हम ले लेते हैं केचप। तो आप इसको एकदम झटपट तरीके से बना सकते हैं घर में। ये देखिए। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये इस पे हम ऊपर से डाल देते हैं हरा धनिया। प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब।